नमस्कार, योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय EKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है रिगार्डिंग VBL, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था रिगार्डिंग कि आप कंपनी क्या करने वाली है फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो जैसे कि डाउट था क्या, किस टेरिटरी में कंपनी जंप करने वाली है एक्सपेंशन मोड को लेकर के, नया प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या हो रहा है, क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ में कर रही है कंपनी, तो इन सभी चीजों को अभी हम लोग इस वीडियो के जरिए में इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एंड न्यूज को भी अभी मैं रीड आउट करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जो भी वरुण बेवरेजेस को लेकर के पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सो बताना चाहूंगा VBL जो है, ये कंपनी जो है लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सी को, इन द पेप्सी कंपनी की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है। और इनके पास जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, पेप्सी, सेवन अप, मिरिंडा ऑरेंज, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकाना जूसेस एंड मिनी मोर, बहुत सारे और प्रोडक्ट इनके पास है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तो मैंने क्लियरली स्टेट किया था कि कंपनी के लिए जो इस शेयर प्राइस में लगभग 900 रुपए, 900 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, 905 से इस शेयर प्राइस में जंप देखने को मिला है। और रेसिस्टेंस जो रहेगा 945 से 950 के रेंज में रेसिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट जो है आपके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 900, 905 का सपोर्ट रहेगा। छोटे टाइम फ्रेम में अगर इस वीडियो इस इसके चार्ट को अगर चेक करेंगे, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखिए न्यूज आया, न्यूज आने के बाद जो रहता है काफी बड़ा जंप यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। सो सपोर्ट रेस मैंने बता दिया है, और ये भी मैंने बता दिया है कि चार्ट जो है काफी बुलिश है, बहुत ही बुलिश चार्ट है। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर देखिए बाई साइड में है, एंड मूविंग एवरेज भी बाई साइड में है। सो नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में। तो चलिए न्यूज की ओर मूव करते हैं, न्यूज क्या है उसको चेक करते हैं। देखिए ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने बोला है, बुलिश ऑन इंडिया, आई पेप्सी मेकर वरुण बेवरेजेस सेट टू राइड ऑन ग्रोथ इन रेफ्रिजरेटर सेल्स इन रूरल एरियाज। तो रेफ्रिजरेटर सेल्स की बात हो रही है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज की बात हो रही है। सो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। वरुण बेवरेजेस जो है मेक्स एंड सेल सॉफ्ट ड्रिंक्स जूसेस फॉर पेप्सी इज सेट टू ग्रो इन लॉन्ग रन थैंक्स टू रेफ्रिजरेशन एक्सपैंडिंग फार्दर एंड वाइडर। तो ये एक्सपेंशन मोड में है, रेफ्रिजरेशन सेगमेंट जो है, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट को वो कैप उसको टैप टैप करना चाहती है। तो कंपनी ग्रोथ विल ऑल्सो बी फ्यूल्ड बाई बेवरेज लॉन्चेस डेयरी प्रोडक्ट्स इन नियर टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए रेफ्रिजरेटर, दूसरा है बेवरेजेस लॉन्चेस, सेकेंड थर्ड है डेयरी प्रोडक्ट्स इन न्यूर टर्म्स। तो तीन चार चीजों की बात हो रही है कि कैसे कंपनी ग्रो करेगी। ओके, द इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री इज पॉज्ड फॉर ग्रोथ ड्यू टू राइज इन रेफ्रिजरेटर सेल्स इन रूरल एरियाज। तो गांव या फिर रूरल एरियाज में जो रहता है रेफ्रिजरेटर का सेल बढ़ रहा है, कंज्यूमर कैन नाउ स्टोर बेवरेज फॉर लॉन्गर एंड दिस विल ड्राइव अप सेल्स फॉर बेवरेज कंपनी। अब क्या हो जाएगा, जो भी बेवरेज है क्योंकि रेफ्रिजरेटर वहां मौजूद है तो वो स्टोर कर पाएंगे, और सेल्स भी उनका जंप करेगा इस कारण से क्योंकि वो स्टोर कर पाएंगे। और फिर मार्केट फॉर रेफ्रिजरेशन इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जो है रेफ्रिजरेटर सेगमेंट का 9.3% फिनेंशियल 23-28 में ग्रो करने का चांसेस है। किसने बोला, तो मॉडर्न इंटेलिजेंस अ मार्केट रिसर्च कंसल्टेंसी फर्म, उन्होंने बोला। किस कारण से बोला, उसके पीछे रीजन क्या है कि अभी सबसे पहला चीज इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम, तो हर एक घर का इनकम बढ़ रहा है, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, रैपिड अर्बनाइजेशन, राइजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, ओके न्यूक्लियर फैमिली, लार्ज अनटैप्ड मार्केट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस आर की ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री। तो इस सेगमेंट को अब वरुण बेवरेजेस जो है वो ग्रैप करना चाहती है। एनालिस्ट से दैट वरुण बेवरेज इज एक्सपेक्टेड टू कैपिटलाइज ऑन ग्रोइंग रेफ्रिजरेटर रीच इन कंट्री इन लॉन्ग टर्म। ओके, उसके बाद जो है, हाउएवर इन नियर टर्म एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वरुण बेवरेज टू प्ले ऑन इट्स बेवरेज लॉन्चेस। तो अभी नियर टर्म में हो सकता है और कुछ नया लॉन्चेस कंपनी करने जा रही है, इसको भी लेकर के एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रही है। सम अभी जो रिसेंट लॉन्च है उसका नाम बताया गया, स्टिंग, गेटोरेड, पेप्सी ब्लैक, वेर ऑल इसमें सभी कंपनी को थम्सअप मिला है, सभी में अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई मिला है कंज्यूमर की तरफ से। देख रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस कंपनी, इस इन सभी प्रोडक्ट का। उसके बाद है कंपनी जो रहता है अभी डेयरी प्रोडक्ट की ओर भी मूव करी, डेयरी पेट्स। वरुण ब्रेज का क्या कहना है कि इस वरुण बेवरेज इज ट्रिपलिंग कैपेसिटी इन डेयरी बेस्ड बेवरेज कैटेगरी। तो अपने कैपेसिटी 3 गुना बढ़ा रही है, नो अदर इन द डेयरी प्रोडक्ट
डेयरी इंडस्ट्री कैन मैच डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है इतना स्ट्रांग है कि अपना कैपेसिटी को ट्रिपल करके बोल रहे कि नहीं मैं सब कुछ करने के लिए सक्षम हूँ। ओके ऑल्सो रियलाइजेशन इन डेयरी इज 15 to 20% हायर देन अदर प्रोडक्ट। यहाँ पर जो रियलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पर 15 से 20% का ज्यादा इनको रियलाइज हो रहा है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन ज्यादा है देन अदर प्रोडक्ट। अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गिव द कंपनी अपर हैंड इन स्केलिंग इट्स डेयरी सेगमेंट। तो डेयरी सेगमेंट में ये जंप करना क्यों चाहती है, बस अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होने के कारण। फिर उसके बाद जो है ग्रोइंग बियॉन्ड बॉर्डर। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका में कंपनी अपना सब्सिडियरी सेटअप कर रही है। ओके तो साउथ अफ्रीका मार्केट जो है एक्सपेक्टेड टू बी बिलियन केस मार्केट थैंक्स टू हायर पर कैपिटा कंजम्पशन, मोतीलाल ओसवाल का कहना है। एंड पेप्सी पेप्सी जो हैज अराउंड 20% मार्केट शेयर इन साउथ अफ्रीका। सो इनका क्या कहना है, ये वरुण इज एबल टू एक्वायर फ्रेंचाइजी राइट फॉर साउथ अफ्रीका, इट विल एड सिग्निफिकेंट ग्रोथ टेलीविंस सेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आप समझ सकते हैं साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी पेप्सी का 20% स्टेक है, अगर वहां पर भी फ्रेंचाइजी अगर ओपन हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा, तो कितना और प्रॉफिट मिलेगा वीबीएल को इस चीज को लेकर के। ओके फिर हाउ वरुण बेवरेज स्टैक अप अगेंस्ट इस पेयर। तो कॉम्पिटिटर से केस अगर इसको कंपेयर करें कॉम्पिटिटर के साथ तो क्या स्थिति है उसको चेक कर लेते हैं। तो इनका नियर कॉम्पिटिटर जो है ओरियंट बेवरेज को माना जा रहा है, द पैकेज फॉर बिस्लरी वाटर। ओरियंट बेवरेज हैज रिपोर्टेड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 20% फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, वेरस वीवेल को अगर कंपेयर करें तो 49% का ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखा जा रहा है। दूसरा चीज है वरुण बेवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 22% का है और ओरियंट बेवरेजेस का -9% का है, -9% का। ओके ग्रोथ प्रोजेक्शन के बारे में डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है उसको मैं रीड आउट करता हूँ। सो वरुण बेवरेज जो है इस एक्सपेक्टेड टू डिलीवर रेवेन्यू सीएजीआर ऑफ 17% ओवर 23-25। अकॉर्डिंग टू मोतीलाल ओसवाल नेट प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 26%। इट एडेड आईसीआईसीआई सिक्योरिटी एक्सपेक्ट द कंपनी रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट टू ग्रो एट 21.1% एंड 20.6% रेस्पेक्टिवली। द स्टॉक इज ट्रेडिंग, अभी जो ट्रेड कर रही है थोड़ा हाई वैल्यूएशन है, 46 टाइम्स समझ सकते हैं एस्टिमेट। ऑल्दो द करंट वैल्यूएशन आर स्ट्रेच एंड देयर इज लिमिटेड नियर टाइम अपसाइड ऑन द स्टॉक, इट हैज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो अभी नियर टर्म में थोड़ा कम ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी दिख चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाएगा तो काफी पॉजिटिव व्यू यहाँ निकल कर आ रहा है। तो ये था कंप्लीटली अबाउट द कंपनी, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के, कंपनी का न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च को लेकर के और नए सेगमेंट में कैसे जंप कर रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आलू का संग ऑफ, थैंक यू।